Hi guys, welcome back. Today in this video we are going to learn noun, जिसे हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं. जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज noun पढ़ाने वाली हूँ. noun की कितने पार्ट्स होते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊँगी. noun क्या है. So let's begin. चलिए start करते हैं. noun. noun की definition. Noun is a naming word. Noun की मैंने दो और definition पहले parts of speech में बता चुकी हूँ मैं. तो मैं फिर से बता देती हूँ. Noun is the name of person, place and thing, animal. एक और मैंने definition बताया था. Noun is the name of all thing, everything, anything. तो इसके मैंने तीन definition बताए हैं. तो ये तो थी डिफिनेशन. चलिए अब इसके पार्ट्स जान लेते हैं कि किस किस आधार पे ये कितने भागों में बांटा गया है इसे. चलिए अब नॉन के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश, ऑन द बेसिस इंग्लिश के बेसिस पे इसे फाइव पार्ट्स में बांटा गया है. फर्स्ट प्रॉपर नॉन, सेकेंड कॉमन नॉन, थर्ड कलेक्टिव नॉन, फोर्थ मटेरियल नॉन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नॉन. ये फाइव इंग्लिश के बेसिस पे. एंड सेकेंड कलेक्टिव नॉन के भी तीन प्रकार होते हैं. फर्स्ट जनरली कलेक्टिव नॉन, सेकेंड ग्रुप कलेक्टिव नॉन एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन. अब थर्ड की बेसिस क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसे दो भागों में बांटा गया है. सिंगल नॉन एंड सेकेंड कंपाउंड नॉन. देखिए मैंने अभी तक आप लोगों को कितने सारे पार्ट्स बताए हैं. अब आगे बताती हूँ. कंपाउंड नॉन को भी दो प्रकार होते हैं. पहला कंपाउंड नॉन विथ हाइपन एंड सेकंड कंपाउंड नॉन विथआउट हाइपन. एंड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा गया है. काउंटेबल नॉन एंड सेकंड अनकाउंटेबल नॉन. अब आगे काउंटेबल नॉन भी दो प्रकार के होते हैं. सिंगल काउंटेबल नॉन एंड सेकंड प्लूरल काउंटेबल नॉन. अब जेंडर के आधार पर भी इसे फाइव पार्ट्स में बांटा गया है. मैस्कुलिन जेंडर नॉन फर्स्ट, सेकंड फेमिनिन जेंडर नॉन, थर्ड कॉमन जेंडर नॉन एंड फोर्थ न्यूट्रल जेंडर नॉन एंड फाइव थर्ड जेंडर नॉन. ये फाइव जेंडर के आधार पर बांटा गया है. एक और लास्ट बता देती हूँ. एक लास्ट और है इंस्पायरेबल नॉन. ये अलग से है. तो ये मैंने आप लोगों को कितनी नॉन के प्रकार बताए. पूरे मैंने इंस्पायरेबल नॉन और ये फाइव जेंडर के, ये सिक्स हो गई. काउंटिंग के आधार पे भी मैंने आपको दो फोर्थ बताए हैं. तो कितनी हो गई, फाइव एंड फोर नाइन हो गई. कंपाउंड नॉन दो बताई मैंने, इलेवेंथ हो गई. एंड स्ट्रक्चर के आधार पे भी दो बताई मैंने, थर्टीन हो गई. एंड कलेक्टिव नॉन थ्री बताया मैंने, ये फिफ्टीन हो गई. एंड बेसिस ऑफ इंग्लिश पे मैंने फाइव बताई है, तो वो ट्वेंटी. यानी मैंने पूरे नॉन के पार्ट्स ट्वेंटी बताए हैं. नाइन पार्ट्स ऑफ नॉन. सो मैंने ये आप लोगों को पार्ट्स बताया कि ट्वेंटी पार्ट्स हैं नॉन के. तो मैं आगे और बताऊंगी इसके सारे के ट्वेंटी के डिफिनेशन विथ एग्जांपल, कि मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी. अभी मैं सिर्फ इसमें इस सब के पार्ट्स बताए हैं. तो इसके डिफिनेशन एंड स्ट्रक्चर का मैं एक सेपरेट वीडियो जल्द ही बनाने वाली हूँ.